यस टीवी पर आप सभी का स्वागत है और अब वक्त है इस समय की सुर्खियों का। सावन के महीने में हरिद्वार रूट पर लगाई गई 3 अतिरिक्त बसें, 4 पहले से ही चल रही थी, जिसके चलते 7 मेन रूट की बसें और 10 अतिरिक्त रूट की बसें भी हैं, जिसकी वजह से अब से पूरी 17 गाड़ियां इसी रूट पर जा रही हैं। यदि यात्रियों की संख्या फिर भी बढ़ी और परेशानियों का सामना करना पड़ा तो और बसें भी लगाई जाएंगी। हालांकि हरिद्वार जाने वाले यात्री ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं। सुबह के समय 5 एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सुविधा है। नगर निगम के नए वार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आज होंगे ड्रॉ। डीसी ऑफिस में होगी पूरी प्रक्रिया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होने की मांग हुई है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लगभग 3,500 व्यापारियों ने इसी साल के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है, जिससे कि सरकार को भी फायदा हुआ है। सरकार को जहां पर नियमित रूप से टैक्स जा रहा है, वहीं पर व्यापारियों को भी काफी सुविधाएं मिली है। सिविल लाइन्स जगाधरी में हुआ डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का शुभारंभ। डीजीपी ने किया रिबन काटकर उद्घाटन। आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा स्पीकर कंवरपाल जी को सौंपा ज्ञापन। आशा वर्करों के द्वारा पिछले काफी समय से कुछ धरना प्रदर्शन समय समय पर किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी रखी थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से इसके बारे में सहमति भी हो गई थी और सारी की सारी मांगे अप्रूव भी कर दी गई थी, लेकिन अब तक इनका लिखित में कोई भी सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चलते सभी आशाओं ने विधानसभा स्पीकर कंवरपाल जी को ज्ञापन सौंपा है। ये थी इस समय की ताजी सुर्खियां। समय समय पर अधिक जानकारी लेने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।